हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। तो UFI का पार्ट 3 लेकर आ गए हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कि हमारा जो EMMC होता है उसके अंदर जो सिक्योरिटी एरिया होता है उसमें हमारी कुछ फाइल्स होती हैं, जो हमारे IMEI नंबर होते हैं उसका डाटा होता है, जो हमारा बेसमेंट होता है उसका डाटा होता है, उन फाइलों को हम किस तरीके से रीड कर सकते हैं। जब भी हमारे पास कोई भी मोबाइल डेड बूट रिपेयर में आता है तो उसकी EMMC को हम रीप्रोग्राम करते हैं। तो रीप्रोग्राम करने से पहले जो हमारी सिक्योरिटी फाइल होती हैं उनका हमें बैकअप लेना पड़ता है। यदि आपने GK इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन दबा लें, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। इस चैनल पर आपको EMMC से रिलेटेड यानी EMMC प्रोग्रामिंग से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो देखने के लिए मिलेंगी। पार्ट 4 भी बहुत जल्दी आने वाला है। पार्ट 1 और 2 हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, आप प्ले लिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में हम जानते हैं कि किस तरीके से EMMC का जो सिक्योरिटी डाटा होता है उसको रीड करना होता है। तो चलिए अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर चलते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर आ चुके हैं और ये मेरे पास EMMC टूल बॉक्स है, जिसकी सहायता से EMMC का जो सिक्योरिटी फाइल होती हैं उनको रीड करना है। दोस्तों, मैंने अभी आपको बताया कि जब भी कोई डेड फ़ोन आता है तब हमें सिक्योरिटी फाइल रीड करने की ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए अपने बॉक्स को इससे कनेक्ट कर लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले अपने बॉक्स में एक EMMC को इंसर्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने अपने बॉक्स में एक EMMC को इंसर्ट कर लिया है और अपने PC से कनेक्ट कर दिया है। कनेक्ट करने के बाद मैं आपको सबसे पहले ये जो EMMC टूल बॉक्स है इस पर राइट बटन क्लिक करके इसको ओपन करना है। यहाँ से इसको यस कर देना है और कुछ ही देर में हमारा EMMC टूल बॉक्स ओपन हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, जिससे आपको बहुत सारी नॉलेज मिलेगी कि हम किसी भी डेड फ़ोन का जो सिक्योरिटी फाइल होती है उसको कैसे रीड करना होता है। यहाँ से इसको क्लोज कर देना है और यहाँ से मैं इसको बड़ा कर ले रहा हूँ। सबसे पहला जो काम होता है हमारा, इसमें आइडेंटिफाई EMMC करना होता है, जिससे हमारा जो EMMC है वो हमको पता लग जाता है कि प्रॉपर कनेक्ट हुआ है या नहीं। तो यहाँ से आइडेंटिफाई EMMC करेंगे और आप देख सकते हैं यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। आप देख सकते हैं जो हमारा Redmi का 4A मोबाइल आता है उसका ये EMMC है और आप इसका देख सकते हैं, साइज़ देख सकते हैं यहाँ पर, ये लगभग 14.56 यानी 16 GB का EMMC है। तो दोस्तों, आप बाकी आप देख सकते हैं ये सारी इसकी सेटिंग होती हैं और आप देख सकते हैं ये EMMC का नंबर है और BGA221 इसका टाइप है। तो जब भी आपके पास में कोई भी डेड फ़ोन आता है या फिर हैंग ऑन लोगो फ़ोन आता है या फिर डेड बूट रिपेयर होने के लिए कोई फ़ोन आता है, तो दोस्तों आपको मैं एक सजेक्शन देता हूँ कि जब भी किसी मोबाइल का पिन पैटर्न पासवर्ड इरेज करें तो उसका एक डंप फाइल और इसकी जितनी भी सिक्योरिटी फाइल होती हैं वो आपको रीड करके रखना होता है। बाई चांस कभी भी उस EMMC में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो हम उसका डंप और उसकी सिक्योरिटी फाइल को दोबारा से राइट कर देते हैं। ऐसा करने से जो हमारा प्रॉब्लम होता है वो ठीक हो जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं EMMC कनेक्ट हो चुका है। जो डंप फाइल होता है उसको कैसे राइट करना होता है उसका वीडियो मैंने पहले डाल चुका हूँ, उसको जाके आप देख लीजिए। आज की वीडियो में हम केवल सिक्योरिटी फाइल जितनी भी होती हैं हमारी उनको रीड करना सीखेंगे। तो आइडेंटिफाई EMMC करने के बाद में आपको यूजर पार्ट के अंदर आना होता है और आप देख सकते हैं UFI बॉक्स की खासियत होती है कि जितने भी हमारी सिक्योरिटी फाइल होती हैं उनका यहाँ पर देख सकते हैं कलर चेंज हो जाता है। आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो चुका है। तो यही हमारी जो सिक्योरिटी फाइल होती हैं, ये जो सिक्योरिटी फाइल होती हैं इनमें हमारा जो IMEI नंबर होता है वो होता है और जो हमारा बेसमेंट नंबर होता है और जो नेटवर्क की कुछ फाइल होती हैं वो भी इसके अंदर होती हैं। तो इनका सिक्योरिटी बैकअप लेना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपने किसी भी EMMC का सिक्योरिटी बैकअप नहीं लिया और वो फॉर्मेट कर दिया तो आपके मोबाइल से जो IMEI नंबर होता है और जो बेसमेंट होता है वो अननोन हो जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जब भी आप किसी भी EMMC पर काम करें तो उसका सिक्योरिटी बैकअप पहले ले लें। तो चलिए इस EMMC का हम बैकअप लेते हैं और आप देख सकते हैं सबसे पहले ये मॉडर्न फाइल यहाँ पर है, इस फाइल का हमको बैकअप लेना है। तो यह इस पर क्लिक करना है, क्लिक करते ही ये फाइल सिलेक्ट हो जाती है। उसके बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पर
ये दो फाइल हैं मॉडम ST2 और ST1, इस पर भी दोनों पर क्लिक करना है। उसके बाद आप देख सकते हैं एक फाइल है FSG फाइल, और उसके बाद आप देख सकते हैं नीचे पथिस्ट फाइल दे रखी है, और आप देख सकते हैं नीचे कॉम्फिग फाइल दे रखी है, इस पर भी आपको क्लिक करना है, और इस पर भी आपको क्लिक करना है। इन सब आप देख सकते हैं ये एक ये फाइल रह गई थी, इस पर भी मैंने क्लिक कर लिया। उसके बाद में आप देख सकते हैं नीचे एक कस्ट फाइल और है, इस पर भी आपको क्लिक करना है। तो जितनी भी फाइल रेड कलर में थी वो सारी मैंने सिलेक्ट कर ली है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर रीड का ऑप्शन दे रखा है, इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप रीड पर क्लिक करेंगे जितनी भी हमारी सिक्योरिटी फाइल है वो वन बाई वन करके रीड होना स्टार्ट हो जाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रोसेसिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो प्रोसेसिंग में थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं। देखिए दोस्तों, जितनी भी फाइल रीड हो जाती हैं फिर मैं इनको आपको रिस्टोर करके दिखाऊंगा किस तरीके से हम फाइल को रिस्टोर करते हैं। देखिए दोस्तों, जब भी हम अपनी EMMC को फॉर्मेट करते हैं तब हमें इन सिक्योरिटी फाइल का बैकअप लेना पड़ता है। जब हम अपनी EMMC को रीप्रोग्राम करेंगे तब इन सिक्योरिटी फाइल को हम दोबारा से इसमें राइट कर देते हैं, जिससे हमारे मोबाइल में सेम IMEI नंबर और सेम बेसमेंट नंबर आ जाता है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपके मोबाइल में जो बेसमेंट होता है वो अननोन हो जाएगा और IMEI नंबर निल हो जाएंगे, जिससे आपको आगे चल के बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती है। देखिए ये सभी फाइल जितनी भी हैं ये सारी फाइल जो है रीड हो चुकी हैं, और आप देख सकते हैं कस्ट फाइल रीड प्रोसेसिंग में है। तो देख सकते हैं आप जितनी भी हमारी सिक्योरिटी फाइल थी वो लगभग रीड हो चुकी हैं। तो चलिए इनको देखते हैं ये कहाँ पर रीड हुई है। आप देख सकते हैं Xiaomi के फोल्डर में ये रीड हुई है। तो आपको आ जाना है सी ड्राइव के अंदर, और सी ड्राइव के अंदर UEFI के अंदर, और आप देख सकते हैं यहाँ पर फाइल्स के अंदर आना है, EMMC के अंदर आना है, और आपको Xiaomi के अंदर आना है। आप देखिए Redmi 4A नाम से एक फोल्डर बन गया है जिसके अंदर हमारा यूजर पार्ट होता है, और यूजर पार्ट के अंदर जितनी भी हमारी सिक्योरिटी फाइल थी वो यहाँ पर रीड हो चुकी हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर सारी फाइल रीड हो चुकी हैं। अब इनको आपने कॉपी करके रख लिया, अब आप अपनी EMMC को ईजिली फॉर्मेट कर सकते हैं और दोबारा से रीप्रोग्राम कर सकते हैं। तो ये EMMC ऑलरेडी प्रोग्राम है और एक सही मोबाइल से निकाला हुआ है, तो मैं इस पर ओवरराइट नहीं करूँगा इसको। तो चलिए किस तरीके से हम दोबारा से जो हमारी सिक्योरिटी फाइल है उनको राइट करते हैं। देखिए जब भी एक बार आपको आइडेंटिफाई EMMC करना है यहाँ से, और जो हमारा देख सकते हैं मॉडम फाइल है, आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है डबल क्लिक, तो यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे, और डबल क्लिक जैसे ही करेंगे आपको वहीं लोकेशन में चले जाना है जहाँ पर आपने यूजर पार्ट वाली फाइल सारी रखी हुई है। आप देख सकते हैं ये कौन सी फाइल है, मॉडम फाइल। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है मॉडम, तो इस पर डबल क्लिक करेंगे तो हमारा मॉडम फाइल इसमें रिस्टोर हो जाएगा। उसके बाद देख सकते हैं मॉडम ST1 और ST2 दो फाइल दे रखी हैं, तो आपको वन बाई वन करके देख सकते हैं डबल क्लिक करेंगे, और उसके बाद में दोबारा से अब देख मॉडम वन पर क्लिक करना है यहाँ पर, और यहाँ से देख सकते हैं टू पर क्लिक करना है, और उसके बाद FSG फाइल है इस पर क्लिक करना है आपको, और यहाँ से हमको FSG फाइल ले लेनी है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ FSG, इस पर डबल क्लिक करना है, FSG फाइल आ जाएगी इसमें, और यहाँ पे देख सकते हैं ये फर्स्ट फाइल है, इस पर क्लिक करना है, और उसके बाद में कॉन्फ़िगर फाइल है यहाँ पर, इस पर डबल क्लिक करना है, और उसके बाद में यहाँ पर देख सकते हैं कॉन्फ़िगर फाइल ये हमारी, उसके बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पर कस्ट फाइल, इस पर भी डबल क्लिक करना, और यहाँ से हमको कस्ट फाइल भी इसमें ले लेना है। देख सकते हैं सारी फाइल जो है ओवरराइट इसमें हो चुकी हैं, और सिंपल आपको यहाँ पर राइट कर देना है, और जैसे ही आप राइट पर टिक करेंगे आपका जो सिक्योरिटी फाइल थी वो दोबारा से इसमें रिप्रोग्राम हो जाएंगे, और जो भी आपका IMEI नंबर का डाटा था और आपका बेसमेंट का डाटा था वो दोबारा से इसमें राइट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप किसी भी मोबाइल का सिक्योरिटी फाइल का बैकअप ले सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर उसको राइट कर देते हैं।
सबसे मेन बात किस कंडीशन में जो हम इसका बैकअप लेना पड़ता है दोस्तों, कोई भी आप काम कर रहे हैं एमएमसी के ऊपर तो उसका एक डंप फाइल और सिक्योरिटी फाइल का बैकअप आप ज़रूर ले के रखें, जिससे आप जब एमएमसी पर वर्क करते हैं तो एमएमसी में कुछ भी अगर प्रॉब्लम हो जाता है, एमएमसी फॉर्मेट हो जाती है, तो दोबारा से डंप फाइल रिप्रोग्राम करके और उसकी सिक्योरिटी फाइल को राइट करके आप एमएमसी को उसी कंडीशन में दोबारा ला सकते हैं। तो आशा करते हैं हमारे द्वारा दी हुई जानकारी आपके काम आएगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और आप इसी तरह की नॉलेजफुल वीडियो लेना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं एमएमसी प्रोग्रामिंग का कोर्स, तो ज्वाइन कर सकते हैं हमारे जीके इंस्टीट्यूट को, जहाँ पर आपको बेसिक टू एडवांस मोबाइल रिपेयरिंग विद एमएमसी प्रोग्रामिंग सिखाया जाता है। तो मिलते हैं किसी ऐसी हेल्पफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।